हर इंसानी जान जो ज़ाय हुई है उसके लिए 10 लाख का मुआवजा मुतासरा ख़ानदानों को दिया जा रहा है, अगरचे ये उस इंसानी ज़िंदगी की कीमत नहीं है। इसी तरह टेंट्स बड़ी तादाद में हम तैयार करवा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी टेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो फुल प्रोडक्शन में काम कर रही हैं, और NDMA उनसे टेंट्स लेके सूबाई हुकूमतों को फराम कर रहा है। हमारे दोस्त ममालिक ने भी हमें टेंट्स फराम करना शुरू किए हैं, और उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में हम टेंट्स की जो कमी है उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह जो मुतासरीन हैं उनको खुराक पहुंचाने के लिए मुसल्ला अफवाज के दस्ते भी चारों सूबों में मोबिलाइज हो चुके हैं। जो सूबाई PDMAs हैं वो भी इस मामले में अपना काम कर रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये स्केल इतना बड़ा है, ये इतने बड़े स्केल के ऊपर तबाही है कि किसी भी मुल्क का इंतज़ामी ढांचा या किसी भी मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए भी अगर ऐसी आफत पड़ती तो उसे भी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ता। इसलिए बजाय ये कि हम इस सैलाब पर सियासत करें, बजाय इसके कि हम इस सैलाब के ऊपर जुमलेबाजी करें, हम सबको मिलकर उन लोगों की मदद करने के लिए जुट जाना चाहिए जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़र हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म ने लोगों के चंदों के लिए अकाउंट खोला है, उसमें लोग दिल खोल के जमा कराएं, और हम आपको इस बात की तसल्ली भी देते हैं कि शफाफ तरीके से वो तमाम रकम हकदारों तक सामान पहुंचाने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होगी। और इसके साथ साथ जो लोग इन काइंड चीज़ें लेके जाना चाहते हैं वो या NDMA को दे सकते हैं या मुसल्ला अफवाज के उन मराकज़ पे जमा करा सकते हैं जो उसने उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर कायम किए हैं, ताकि जल्द अज जल्द हम इन लोगों को रिलीफ दे सकें।